वीडियो को आप मुकम्मल तौर पर देखा करें, क्योंकि वीडियो को देखकर आप फैसला कर सकते हैं कि आपको कौन सा मोबाइल लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हम अपनी वीडियो में मोबाइल की मुकम्मल तफसील बताते हैं और इसके तमाम फीचर बताते हैं और मोबाइल का आपको लुक भी दिखाते हैं कि मोबाइल दिखने में किस तरह का है। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल शायद मोबाइल्स में। आज हम जिस मोबाइल फ़ोन का रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं, ये है i252 वीगोडेल कंपनी का। काफ़ी बेहतरीन मोबाइल और कामयाब रहने वाला मोबाइल रह चुका है ये वीगोडेल का, और आज हम इस मोबाइल फ़ोन को अनबॉक्स करेंगे और इसके तमाम फ़ीचर के बारे में आपको तफसील के साथ बताएंगे। और वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिएगा, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। सबसे पहले हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसके साथ एक अदद वारंटी कार्ड आता है, क्योंकि ये मोबाइल जो है एक साल की वारंटी के साथ आता है और PTA अप्रूव्ड होता है। बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है वो कलर कौन सा हमें मिलने वाला है। तो ब्लू कलर काफ़ी खूबसूरत कलर है जो इसके साथ हमें मिल रहा है। इसके साथ हमें एक अदद चार्जिंग केबल मिल जाती है, जो कि माइक्रो USB चार्जिंग केबल कहलाती है। इसके साथ टाइप सी नहीं आती, और इसके साथ हमें एक अदद हैंड फ्री मिल जाता है। इसके साथ एक अदद चार्जर मिल जाता है, जो कि माइक्रो USB केबल के साथ आता है। एक बैटरी मिल जाती है, काफ़ी बड़ी बैटरी इस मोबाइल फ़ोन के साथ दी गई है, और यूज़र मैनुअल गाइड मिल जाती है। बॉक्स हमारे पास खुल चुका है, और अब हम मोबाइल का ओवरऑल लुक दिखाते हैं आपको कि मोबाइल फ़ोन जो है वो दिखने में किस तरह का दिखता है। मोबाइल फ़ोन का ओवरऑल लुक तो आप देख ही चुके हैं। अब मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन की बात करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बटन दिए गए हैं वो ग्लॉसी ब्लैक कलर के आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको सिल्वर का टच मिल जाता है बटनों के दरमियान में। और यहाँ पर शीशे में आपको वीगोडेल की नंबरिंग मिल जाती है, और यहाँ पर आपको मोबाइल का मॉडल नंबर मिल जाता है i252। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर हमें 3 अदर टॉर्च लाइट मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी रोशनी करती हैं रात के अंधेरे में। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर हमें 3 कलर मिल जाते हैं। अगर फ्रंट जो है वो ब्लैक होगा तो बैक ब्लू होगा, और वहीं पर अगर फ्रंट ब्लैक होगा तो साथ में आपको रेड कलर मिल जाता है। अगर आप फ्रंट वाइट में लेंगे तो इसका बैक जो है वो ऑरेंज कलर का आपको मिल जाता है। तो इस मोबाइल फ़ोन का जो बैक कवर बनाया गया है वो ब्लू कलर का है, जिसके अंदर आपको स्पीकर का काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पर मिल जाता है। ऊपर की साइड पर एक कैमरा दिया गया है, और कैमरे के साथ आपको ऐसा फील हो रहा होगा जैसे छोटा सा एक स्पीकर लगाया गया है। हालाँकि ये स्पीकर नहीं है, ये सिर्फ एक डिज़ाइन बनाया गया है जो आपको ऐसा फील करता है कि मोबाइल के अंदर कैमरे के साथ एक एक्स्ट्रा स्पीकर लगाया गया हो। इसके बैक कवर पे आपको यहाँ पर वीगोडेल की नंबरिंग मिल जाती है। नीचे की साइड पर आपको माइक्रो USB चार्जिंग जैक और हैंड फ्री के लिए एक जैक मिल जाता है। अब इस मोबाइल फ़ोन का बैक कवर खोल लेते हैं और देखते हैं मोबाइल का डिज़ाइन अंदर से किस तरह का बनाया गया है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये स्पीकर नहीं है, ये सिर्फ एक डिज़ाइन बनाया गया है। स्पीकर आपको अंदर की तरफ मिल जाता है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर डबल स्पीकर का इस्तेमाल किया गया है। बैक स्पीकर जो है, जिसको रिंगर कहा जाता है, वो अलग लगाया गया है, और एयर पीस जो है ये अलग लगाया गया है। अक्सर मोबाइल फ़ोन होते हैं उसमें सिर्फ सिंगल स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जब आप कॉल पर बात करते हैं तो आपकी आवाज़ पीछे की साइड से बाहर भी सुनाई देती है। लेकिन इस मोबाइल में ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ कॉल रिंग टून जो आएगी वही इसमें सुनाई देगी। जब आप फ़ोन पर बात करेंगे कॉल पर तो आपकी आवाज़ बैक साइड से सुनाई नहीं देगी। उसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 2 जैकेट लगाई गई हैं। डबल सिम मोबाइल फ़ोन है, और एक जैकेट आपको मिल जाती है मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करने के लिए। एंटीना जो है वो भी काफ़ी बेहतर लगाया गया है, सिग्नल की कवरेज आपको अच्छी मिल जाती है इस मोबाइल फ़ोन में। अब इस मोबाइल फ़ोन को ऑन कर लेते हैं, और ऑन करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर हमें बैटरी जो मिलने वाली है वो 3000 पावर की बैटरी हमें मिल जाती है। 3000 mAh की बैटरी यहाँ पर देखें आपको नज़र आ भी रहा होगा। अगर आप कोई ऐसा फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं जिसके अंदर आपको बैटरी टाइमिंग ज़्यादा मिले, तो आप कम से कम 3000 mAh की बैटरी जिस मोबाइल फ़ोन की है वो मोबाइल ख़रीदा करें। मोबाइल फ़ोन हमारे पास ऑन हो चुका है, और स्क्रीन जो है इसकी 2.4 इंच की स्क्रीन रखी गई है। कलर भी काफ़ी खूबसूरत आपको इस मोबाइल फ़ोन में मिल जाते हैं। अब चलते हैं इस मोबाइल फ़ोन के कैमरे में, और आपको मोबाइल के कैमरे का रिज़ल्ट चेक करवा देते हैं।
कैमरे का जो रिज़ल्ट है वो बेहतर मिल जाता है, आपको समझ आ जाती है कि आपने किस चीज़ की वीडियो या तस्वीर वगैरह ली है। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता, क्योंकि कीपैड मोबाइल है तो इसमें आपको नॉर्मल रिज़ल्ट ही मिलता है। तो अब हम चलते हैं इस मोबाइल फ़ोन के बिगोटेल जोन में। तो वीडियो को आप मुकम्मल देखा करें, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं मोबाइल फ़ोन में, लेकिन आप लोग जो है वीडियो को स्किप कर देते हैं या बीच में ख़त्म कर देते हैं, तो इसलिए आपको मुकम्मल ऑप्शन का पता नहीं चलता। बिगोटेल जोन के अंदर हमें फेसबुक का ऑप्शन मिल जाता है, टॉर्च लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। मैं आपको टॉर्च लाइट चेक करवा देता हूँ इसकी किस तरह की है। काफ़ी अच्छी आपको इसमें रोशनी मिलने वाली है, बहुत ही बेहतरीन किस्म की लाइट इसमें लगाई गई है, रात के अंधेरे में काफ़ी अच्छी रोशनी करती है। और अगर टॉर्च लाइट के ऑप्शन के अंदर ही फास्ट फ्लिकर का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करते हैं, तो लाइट जो है वो तेज़ से जलना बुझना शुरू हो जाती है, काफ़ी प्यारी लगती है रात के वक्त अगर आप इसको इस ऑप्शन पर लगाएंगे। और उसके नीचे स्लो फ्लिकर पर जब आप क्लिक करेंगे तो स्लो स्लो जो है काफ़ी देर बाद चलना और बुझना शुरू हो जाएगी, एमरजेंसी लाइट के तौर पर भी काम करती है। ऑफ़ पर जो है मुकम्मल तौर पर लाइट ऑफ हो जाती है। इसके नीचे हमें कैलकुलेटर मिल जाता है, आप अपना किसी किस्म का भी हिसाब कर सकते हैं। इस पर नीचे ब्लूटूथ का ऑप्शन रखा गया है, फिर अलार्म हमें मिल जाता है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसको ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं तो आने जाने वाली तमाम कॉल, जितनी भी आपकी बातें होती हैं, वो सारी रिकॉर्ड हो जाती हैं इस मोबाइल फ़ोन में। अब ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग के नीचे जो हमें ऑप्शन मिलने वाला है, काफ़ी अहम ऑप्शन है ये। बहुत सारे लोगों की फरमाइश होती है कि मैजिक वॉइस वाला ही मोबाइल हमें चाहिए, तो यहाँ पर आपको मैजिक वॉइस मिल जाती है। इसमें आपको चार किस्म के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप नॉन पे क्लिक करते हैं तो जब आप कॉल पे बात करेंगे तो आपकी अपनी आवाज़ सामने वाले बंदे को सुनाई देती है, जब आप मैन पे क्लिक करेंगे तो एक आदमी की भारी सी आवाज़ आगे जाना शुरू हो जाएगी, लेकिन फील नहीं होता कि आपकी अपनी आवाज़ है। वूमेन की आवाज़ पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक औरत की आवाज़ में आप बात कर सकते हैं किसी के साथ भी फ़ोन पर। नीचे बच्चे की आवाज़ का ऑप्शन रखा गया है, ये ऑप्शन तब काम करते हैं जब आप कॉल पर बात करते हैं, बच्चे की आवाज़ में भी आप बात कर सकते हैं किसी के साथ, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये आपकी अपनी आवाज़ है। इसके अंदर ये ऑप्शन रखे गए हैं आवाज़ को बदली करने के लिए, आवाज़ को चेंज करने के लिए। तो इसमें मैजिक वॉइस का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अजान का अलार्म जो है इसमें रखा गया है, बहुत सारे लोग नमाज के लिए अलार्म फिक्स करना उनके लिए काफ़ी मसला होता है, लेकिन इस मोबाइल के अंदर जो है वो आपको अलार्म का ख़ास अलग से ऑप्शन रखा गया है, जिसमें आप फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा के अलार्म फिक्स कर सकते हैं। आपके इलाके में, आपके करीबी मस्जिद में जो भी टाइम हो नमाज का, आप वो इसमें फ़िक्स कर सकते हैं, और जैसे ही नमाज का टाइम होगा तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा नमाज का टाइम हो चुका है। काफ़ी बेहतर ऑप्शन रखा गया है, बहुत सारे मोबाइलों में ये ऑप्शन नहीं आता, लेकिन ये इसमें मिल जाता है आपको। कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाता है, और कीपैड लाइट की जो ब्लिंकिंग होती है उसका ऑप्शन भी आपको सबसे नीचे मिल जाता है। ये कीपैड जो ब्लिंकिंग है, ये बटनों की लाइट होती है जो बटनों के अंदर जलती है, इसको जब आप ऑन करते हैं तो कॉल के साथ साथ ये जो लाइट है वो चलना और बुझना तेज से शुरू कर देती है, इंडिकेट करती है साथ ही साथ रिंग के। और अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ़ रखते हैं तो ये ऑप्शन काम नहीं करता। अब अगर इस मोबाइल फ़ोन के फ़ोन बुक की बात करें तो फ़ोन बुक के अंदर आपको 1000 नंबर सेव करने की कैपेसिटी मिल जाती है, आप अपने मोबाइल के 1000 नंबर इसमें सेव कर सकते हैं। अब इसके अलावा चलते हैं सेटिंग में और आपको चेक करवा देते हैं कि इस मोबाइल के अंदर जो है रिंगटोन की आवाज़ किस तरह की रखी गई है। तो रिंगटोन की आवाज़ में आपको चेक करवा देता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ इसमें आपको मिल जाती है, काफ़ी तेज़ आवाज़ है। सिर्फ तेज़ नहीं, इसमें काफ़ी अच्छी और तेज़ आवाज़ आपको मिलने वाली है। किसी भी जगह पर अगर आप होते हैं, रश में, ट्रैफिक में, सफ़र में, बाइक पर, आपको आवाज़ सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आसानी के साथ आपको पता चल जाता है कि आपके पास कॉल आ रही है। सबसे लास्ट में सुपर बैटरी का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सुपर बैटरी का ऑप्शन अगर आप ऑन करते हैं तो ये ऑप्शन ऑन करते ही आपकी जो है रिंगटोन की आवाज़ है मोबाइल की वो भी कम हो जाती है, मोबाइल की पावर ऑफ और ऑन पर जो आवाज़ लगी होती है वो भी ऑफ़ कर देता है मोबाइल फ़ोन, और इसके डिस्प्ले की जो रोशनी है उसको भी थोड़ा सा कम कर देता है। काफ़ी चीज़ों को मैनेज करके आपको बैटरी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फराम करता है। अगर इस मोबाइल फ़ोन की गेम्स की बात करें तो यहाँ पर आपको F1 रेस के नाम से एक अदद गेम इस मोबाइल फ़ोन में मिल जाती है, मैं आपको चला के भी चेक करवा देता हूँ। ज़्यादातर जितने भी विगोडेल के मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं उनमें आपको यही गेम देखने को मिलती है। काफ़ी बेहतरीन गेम है। और इसके अलावा वायरलेस FM आपको मिल जाता है, बिना हैंड फ्री लगाए आप इस मोबाइल फ़ोन के अंदर FM भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मोबाइल फ़ोन की अपनी मेमोरी तो आपको नहीं मिलती, लेकिन अगर आपने इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग करनी है या फिर आपने किसी किस्म की तस्वीरें या वीडियोज़ वगैरह इसमें सेव करनी है तो आपको इसमें मेमोरी कार्ड लगाना पड़ सकता है, और इसमें आप 32 GB तक का मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं।
जहाँ पर इस मोबाइल फोन में आपको ऑटो कार रिगार्डिंग ऑप्शन मिल जाता है, 3000 पावर बैटरी मिल जाती है, मैजिक वॉइस मिल जाती है, 2.4 इंच की स्क्रीन और 3 अदद बड़ी टॉर्च लाइट आपको मिलती है। 1000 अपने कॉन्टेक्ट नंबर इस मोबाइल फोन में सेव कर सकते हैं और काफी बड़ा और अच्छा स्पीकर आपको इस मोबाइल फोन के साथ मिल जाता है। वहीं पर अगर इस मोबाइल फोन की कीमत की बात करें तो 4000 में आपको ये मोबाइल फोन मिल जाता है, काफी बेहतरीन कीमत में बहुत ही अच्छा मोबाइल फोन आपको मिल जाता है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक न्यू मोबाइल के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।